जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल का आईपीएल मैच लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेला गया था, जिसमें लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए। लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन और आयुष बडोनी ने 5वीं विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी की। फिर हैदराबाद 166 रनों को चेस करने के लिए उतरी। उसने केवल 9.4 ओवरों में बिना विकेट खोकर 166 रन बना लिए, जिसमें ट्रेविस हेड ने 16 गेंदों में 50 लगाई। कल का मैच एक तूफानी मैच था। कल आईपीएल के 57 मैच में 1000 छक्के भी 1000 आईपीएल छक्के भी पूरे हुए। पिछले सीजन में 1000 छक्के 67 गेंद में लगे थे। इस सीजन में 13,079 बॉल पर ही 1000 छक्के पूरे हुए। पिछले सीजन में 15,390 बॉल लगी थी। ट्रेविस हेड ने आईपीएल में तीसरी बार 19 से कम गेंदों पर 50 लगाई है। इससे पहले वो दो बार 16 गेंदों पर और एक बार 18 गेंदों पर 50 लगा चुके हैं। हैदराबाद जब बैटिंग करने आया तो देखते ही देखते 9.4 ओवरों में मैच को ख़त्म कर दिया। उनको 10 विकेट से जीत भी मिली। हैदराबाद ने पावर प्ले के 6 ओवरों में 107 रन बना दिए, जबकि लखनऊ अपने पावर प्ले में केवल 27 रन बना सकी। दोनों टीमों के बीच पावर प्ले में 80 रनों का अंतर था। आईपीएल में दो टीमों के बीच पावर प्ले में बड़ा अंतर रहा। इससे पहले गुजरात और बेंगलुरु के बीच पावर प्ले में 69 रन का अंतर था, तब बेंगलुरु ने पावर प्ले में 92 रन बनाए और गुजरात ने 23 रन बनाए थे। हैदराबाद ने पावर प्ले में 107 रन बनाए। यह आईपीएल में उनका पावर प्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। इससे पहले हैदराबाद ने ही दिल्ली के खिलाफ 6 ओवरों में 125 रन बनाए थे और सभी को चौका दिया था। हैदराबाद ने कल 166 रनों का टारगेट 9.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया था। आईपीएल में 150 से ज़्यादा रन का टारगेट पहली बार इतने कम ओवरों में चेज हुआ। इससे पहले साल 2008 में डेकन चार्जर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 155 रन का टारगेट 12 ओवरों में हासिल किया था। तो कुल मिलाकर कल का दिन हैदराबाद का रहा और ट्रेविस हेड का रहा। ट्रेविस हेड नए नए रिकॉर्ड बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में भी ट्रेविस हेड ने अपनी खास भूमिका निभाई थी और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था। तभी से वो मशहूर बैट्समैन बन गए हैं और आगे भी वो कई दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। थैंक यू।